फोर शुरू हो गया दीज वॉल्स वही अच्छा ग्रैंड गैरेंट मैनर में सो बेसिकली अंदर कुछ होने वाला है यार भाई जान सीक्रेट डोर खुल गया ओ दे मॉनिटर रूम भाई हे गाइस ओ कुछ हुआ है कोई आ रहा है लुक व्हाट आई डोंट सी एनीथिंग मैं ड्रामे कर रहा हूं लग रहा है देयर राइट देयर ओह माय गॉड देयर इज समवन आउट देयर हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दो चैप्टर्स हैं आई गेस और ये हम काफी करीब हैं इसके एंड के कुछ नया होने जा रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो लास्ट हमने छोड़ा था वो ये था कि वो एक सिटी में टाउन में गए हुए थे और उधर एक दुकान थी जिसके अंदर वो एंटर हुए थे कैमरा लेने के लिए अपना एक और खराब हो गया था लास्ट वाला कैमरा सो फ्रैंक स्टोन के ऊपर वो लोग मूवी बना रहे थे लेकिन उनको अंदाजा नहीं था अभी हम हिस्ट्री में गए हुए थे लास्ट एपिसोड में कि वो मूवी जब बन रही थी तो किस तरह से उसने बनाई थी राइट एक्चुअल में तो हम लोग उस मेंशन में हैं जहाँ पे वो ये मूवीज के टुकड़े वगैरह रील्स वगैरह जिस जिसके पास थी मूवीज की वो चीजें इकट्ठी कर रहे थे एंड देर इज अ रिचुअल सम काइंड ऑफ अ रिचुअल गोइंग ऑन जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई उस रिचुअल में ये फ्रैंक स्टोन को वापस उस मिल में जिंदा करने वाले हैं तो लेट्स सी के आगे क्या होता है विदाउट एनी फर्दर डू यू गाइस सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट्स जंप राइट इन अभी हम इस स्टोर में एंटर होने लगे थे If I didn't know any better, I'd say this place looks like it's been here forever. And a half. Maybe you should write it in. Don't tempt me. What if the owner is a deranged serial killer who collects wayward teenagers and turns them into antiques? Then we hit the jackpot. Check out the wares. Ooh, cameras! These look like they've seen better days. They're not gonna put the best ones in the window. We gotta look inside. मुझे लगता है इनको यहाँ से कैमरा कोई ऐसा मिलेगा जो जादू वाला होगा जिसकी वजह से वो फिल्म जो है वो शायद उसमें वो एसेंस स्टोर हो गया फ्रैंक स्टोन का या कुछ ऐसा यस हेलो ओ हेलो स्टोर की पर आई है वी सॉ द कैमरास वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस ऑफ कोर्स यू आर प्लीज कम ऑन इनसाइड ये भाई मैं तो कभी ना चाहूँ ऐसे क्रीपी स्टोर में जो इस तरह के हालात लग रहे हैं क्रिस एंडलेस क्यूरियोसिटीज नाउ लेट मी सी आई थिंक आई हैव समथिंग दैट मे इंटरेस्ट यू इफ आई कैन फाइंड इट आउट बैक प्लीज मेक योरसेल्व्स एट होम ओके भाई ये बुड्ढी के साथ जो मसला लग रहा है You never know what treasures you might find. सही वो कह रही है इधर उधर देख लो जब तक मैं कैमरा पीछे रखा हुआ है वो ढूंढ के लाती हूँ Ourselves at home. तब तक तुम लोग इधर दे ढूंढ लो क्या पता तुम लोगों कोई You never know कि कोई ऐसी चीज पसंद आ जाए जो पहले कभी देखी ना हो. Failed capitalist state kind of way. सीन कोई बैड लग रहा है. हाँ. Okay, so objective. Look around while waiting for the storekeeper. चलो भाई look around कर रहे हैं हम. Show कर रहे हैं. इतना आसान तो नहीं होगा. चीजें देखनी पड़ेंगी ओके ये क्या है भाई ओपन करते हैं इसको टूल बॉक्स ओह ये उसके अंदर वही वो जो पीसेस हम जमा कर रहे थे नेवर माइंड हर जगह पे ये मौजूद है ये क्या है ओह ये वो मा हाँ क्यूट बनी नहीं है भाई ये ये बेसिकली ये मास्क पता है कौन सा है ये जिन्होंने ये गेम डेड बाय डेलाइट बनाई है उसमें एक किलर होता है उसका ये मास्क होता है अच्छा विलन का ओ भाई जान उन्होंने डेड बाय डेलाइट का रेफरेंस तो देना था ना कोई ना कोई चलो भाई ओके लिंडा से बात करनी है लिंडा से बात करनी है किधर है भाई ये रही लिंडा आ जाओ लेट्स टॉक she comes running out straight at us with a giant chainsaw I'm getting like so bummed out कैमरा दे रही है इट्स प्रीटी ओल्ड
possible we could make it work, but it's not exactly what we had in mind. Mm-hmm. How much are you asking for it? Oh, there's a tiny little price tag on it, but I seem to have forgotten my reading glasses. Why don't you take over? अरे खुद देख ले आए भाई $20 दे लिखा है $20 डाउटफुल इट फील्स अ लिटिल हाई दैट सीम्स रीजनेबल क्या करें तो बार्गेन तो करता है ना हर बंदा आई डोंट नो इट फील्स अ लिटिल हाई फॉर समथिंग सो ओल्ड It is quite a valuable piece, so I'm afraid I'm unable to lower the price, but perhaps I can sweeten the deal. Oh, कुछ देगी साथ. One of a kind, handmade. It's for luck. Filter दिया आगे कैमरे का. Oh. Like, I think I'll pass. Dubious light. We could use it as a prop. Filter है क्या? फिल्टर ही लग रहा है कैमरे का टाइप लग रहा है यूज इट एज अ प्रॉप श्योर इट्स अ डील डिलाइटफुल यू हैगल्ड एंड रिसीव्ड अ पॉकेट मिरर अच्छा पॉकेट मिरर था थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर फाइंडिंग अस अ कैमरा इट वाज नो ट्रबल एट ऑल इट ट्रूली इज सच अ जॉय टू सी यंग पीपल सो पैशनेट अबाउट द आर्ट्स सही Yeah. Yep, that's us. सही सही वो कह रही है यार कोई मसला नहीं है बड़ा अच्छा लगता है यंग लोगों को देखने का जो आर्ट के बारे में इतना पैशनेट हो बुड्ढी का कोई सीन बैड रख ले भाई ये कैमरा जो दिया ना इसने Wait guys, oh I'm such a moron. I told my mom I'd pick up some milk on the way home. Oh, you want me to Hold this. Be right back. चलो Wait Chris, we just spent all the money. Emergency sock quarter. दूध लेना भूल गया माँ को उसने कहा था कि मैं दूध लेती आऊंगी ओके Cursed movies? Really? Must be a slow news day. तो कह रहे न्यूज लिखी हुई कोई कर्स्ट मूवी के बारे में वो कह रहे कर्स्ट मूवीज ये क्या चीज है ऐसी होती भी हैं एग्जिस्ट करती हैं कहाँ है भाई मिल्क So, movie posters type और कुछ मेन्यूज वगैरह लगे हुए हैं yes. चलते हैं भाई दूध खरीदने कहाँ है मिल्क ये पड़ा हुआ है I could so find a place for these in murder mill if we had any cash to spare टॉफियां वगैरह मुंह में फटती हैं रखने से दूध किधर है भाई ये यहाँ पे होगा फ्रिज में चल भाई ओपन भी हम ही कराएंगे चलो भाई ले लो फ्रिज की हालत देख जरा मिसिंग बेनी वेगा अच्छा कोई मिसिंग बॉय की किड है इसका भी ऐड लगाया हुआ है पहले के जमाने में दूध के डब्बों में ये लोग मिसिंग लोगों की तस्वीरें वगैरह डाल देते थे क्योंकि पता होता था कि हर बंदे ने दूध वगैरह इस तरह के आइटम तो खरीदना ही है चल भाई किधर है आजा पैसे ले ले Hey, Chris. Robert! Wait, I thought you worked at the library. How would you know? Don't think I ever saw you come in. I got spies everywhere, man. Mm-hmm. So, Linda. Busted. You can always come in yourself, you know. Books don't bite. Linda's the bookworm. I'm more of a movie worm. I don't think that's a real kind of worm. Neither's a bookworm. we're about to close in 2 minutes, so. Oh, right, yeah. Ring me up. All right, that'll be 25 cents. Okay. Yeah, you sure don't see coin like this working in the library. Actually, you don't see any coin. It's volunteer hours.
Not so bad, if you like to read, I guess. True. We've got a rad horror section, too. Didn't know you were a horror guy. Just books? Movies, comics, too. Whatever I can get my hands on. Oh, so it's going to be horror. Cheese on my interest in horror movies, comics, etc. Down at the old Cedar Steel Mill. No kidding. We could always use an extra hand if you're into that kind of thing. Super into it. But... Does my dad know you're going into the mill? He watches that place like a... Oh, ye sheriff ka beta. Yeah, we had a little run-in with him today, but we're gonna sneak back in to shoot the rest. Man. Chal bhai, drag na kar. I would love to be involved. Sahi, so inko isko bhi vich kar liya unhone movie banane ke liye. Yeah, Chris was just telling me about a... We're putting together a fundraiser. To show movies. At the library. Okay. You need a ride home? Oh yeah. Let me just get my bag. Well, very shocked. Chris. I'm sorry I was a little harsh with you and your friends before. I just wanted to make sure you're taking me seriously. They told me about what really happened at the mill. We're still gonna finish our movie. Oh, I do. But you gotta tell me one thing. Is it true? What? Really happened at the mill? What? You know, the real story. Oh, right. The real story. It's all true. But there is one part they never tell you about. Yeah? Nah, I couldn't. Come on! Oh, so what's the bullshit? You gotta promise. But you've gotta promise to keep it to yourself, alright? So Gary, true hai jo mill mein hua to sach hai, to wo keh raha hai, haan, sara sach hai, lekin ek cheez nahi batate. But it turns out, you can't steal a mill. Alright, you got me. Mazaak kar raha. This is what I do. You ready? Take care. All right. Acha, ye game, well, thriller hai, obviously. Hey. Cinematic based. I made it back into the mill without him knowing. Just say the word. Let's make a movie. Oh, wo keh raha hai, bhai, isko pata nahi chalega, baap ko pata nahi chalega, main tum logon ko mill ke andar le ja sakta hu. Bad gaye, bhai. Matlab badon ki baat koi sunta hi nahi hai na. बाप के साथ गद्दारी उसके बाद नुकसान उठाते हैं I have worn many masks over the centuries. Dr. Augustine Lieber was renowned, professional and trusted. Frank Stone confided in me, allowed me to unlock his potential during those dark days in the psychiatric ward. Oh, and now a new guise, a new timeline, a new chance. Giving them the camera, I admit, was unfair, even for me. They couldn't know what power they held in their hands, nor what cruelty awaits them in the steel mill. Sorry. But what true creator wouldn't suffer for their art? So, ये बुड्ढी भी मिली हुई थी और वो बेसिकली यहाँ पर जिससे हम मिले थे जिसका ये घर है जिसने इनवाइट किया था मैं चैप्टर 4 शुरू हो गया दीज वॉल्स अच्छा ग्रैंड गैरेंट मैनर में सो बेसिकली मेडिसिन होती है दोबारा सो जिससे हम मिले थे
ये उसका करता था वो डॉक्टर है ठीक है, और जो फ्रैंक स्टोन था वो उसका पेशेंट था साइकियाट्रिक वार्ड में, और उसने उधर से उसको अपने काबू में किया था वो काम करने के लिए। सो वो जो बुड्ढी थी वो भी मिली हुई थी, और उस बुड्ढी ने जो कैमरा इनको दिया था उस टाइम पे, वो कहती है, वो बुड्ढी बताती है, वो बुड्ढी भी उसी के साथ थी, वही थी। तो वो कहती है कि इनको पता ही नहीं था कि ये क्या पावर होल्ड कर रहे हैं अपने हाथ में, ठीक है, और नीदर डिड दे नो कि मिल में उनके साथ क्या होने वाला है। ओके, बैड ड्रीम, बैड ड्रीम। लिंडा पूछे जिसने वो मूवी बनाई थी पीछे पीछे पास्ट में जाते हैं। How long was I out? I don't even remember falling asleep. Oh. 15-20 minutes? Seems like it was a pretty intense dream. Wait, what happened to Augustine again? She left. Left? She said she had to do something very urgently in her private reliquary. Hey, now that we're all awake again, can we forget about Augustine for a minute and talk about the 1,000-foot-long elephant in the room? Thousand feet is the average length of film in a movie? Oh. Guess we were all playing it close to the vest before, huh? It's not my film. I just worked on it. Didn't direct it. तो वो वही बता रही है ना कि ये उसकी फिल्म नहीं है। I meant how we were उसने सिर्फ काम किया था, उसमें डायरेक्ट नहीं किया था। Oh, right. Whether you take credit for it or not, it's definitely the most infamous project that's associated with you. Cursed film collectors have been unsuccessfully searching for any trace of it for years. And now we are all here, each with our own little slice of a mysterious pie. It's a pretty big deal. So, all of our film strips, they're part of this movie you and your friends made, Linda? If they're not fakes, yeah. Oh, pause kar leta hu, main samjha do taake. Basically, wo banda ye keh raha hai ki yaar itne collectors pagal hue the ki apparently cursed films bhi hoti thi, theek hai? Wo us zamane mein. और कि ये फिल्म कर्स्ड है, जिस तरह मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो आई थी एग्जॉर्सिस्ट, यस, एग्जॉर्सिस्ट जब आई थी तो सारों ने कहा था भाई ये कर्स्ड फिल्म है, इसको देखकर हार्ट अटैक हो गए लोगों को सिनेमाज में और ये वो, यस, सो इस टाइप की चीज़ें। तो वो कह रहे हैं कि कलेक्टर पागल था कि ये मर्डर मिल की जो मूवी है वो किसी कलेक्टर जो कर्स्ड फिल्म कलेक्ट करता था, जिसको शौक था कलेक्ट करने का, बिडिंग होती थी, पैसे देते थे और वो फिल्म ले लेते, तो वो बंदा कह रहा है कलेक्टर्स पागल थे इस फिल्म को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और उनको कहीं पे भी नहीं मिला, और अब हम इधर गैदर हुए हैं और हमारे पास ईच के पास टुकड़े हैं, ठीक है, उस मूवी के जो स्ट्रिप्स है ना, हर एक बंदे के पास जो है डिफरेंट पार्ट्स हैं उसी मर्डर मिल की मूवी के। तो वो यही पूछ रहा था कि क्या ये हमारे पास ये पार्ट्स हैं डिफरेंट से उस मूवी के, और वो इधर इकट्ठे हो गए हम लोग। तो वो कहती है कि हाँ अगर ये फेक नहीं है तो यस दीज आर द पार्ट्स ऑफ दैट फिल्म एंड ऑल दैट स्टफ यू सेड अबाउट इट बीइंग कर्स्ड इट बीइंग कर्स्ड CIA इंटरोगेशन टोटल डिसोसिएशन विद रियलिटी बिकॉज़ इट्स सो रेयर ओनली अ फ्यू पीपल नो फॉर श्योर ओह सो दिस इफ ऑगस्टीन वांट्स द ओनली नोन सर्वाइविंग पीसेस ऑफ इट शी इज गोना हैव टू पे अप. Why do you think she wants it so bad? I mean, it's not really cursed, right? I prefer not. वो यही पूछ रही है आप कि ऑगस्टीन को इतना इंटरेस्ट क्यों है? Why do she wants it so bad? मतलब इतना ज़्यादा उसको क्यों इसके ऊपर क्रेज है कि उसको चाहिए ही चाहिए? ये मूवी वाकई में कर्स्ड तो नहीं है ना? अब वो लिंडा से पूछिए क्योंकि लिंडा वो है जो मिल में गई थी, ये मूवी बनाई है, उसको सारा प्रोसेस पता है। My past. We're here. Someone's offering to buy our sections of the film. That is all I'm concerned with right now. So Linda कह रही है भाई मैं वापस पास्ट में जाके ये बात नहीं करना चाहती ज़्यादा इसके बारे में। मुझे बस ये इंटरेस्ट है कि कोई है जो हमारे ये पार्ट्स खरीदना चाह रहा है, इंटरेस्ट है, तो I'm just interested in money. तो मतलब कि कुछ सीन हुआ था पास्ट में। Provenance goes a long way towards a successful sale. So do motives. I don't know about you, but I would very much like to know why Augustine is so desperate to get her hands on this film. Well, first rule of business is to gather every bit of intel you can on your opponent.
I don't know about you two ladies, but I have been itching to get a little look-see around this big old house of curiosities. Are we allowed to look around? What do you say, Director? Want to keep sitting around, or want to peek behind the curtain? जाएं या ना जाएं? I am good, I think. अब वो basically ये कह रहा है कि भाई वो भी लिंडा भी यही कह रही है कि मैं भी curious हूँ कि वो ऑगस्टीन क्यों इतना पीछे पड़ी हुई कि उसको ये movie के pieces चाहिए या ये movie चाहिए ही चाहिए, क्या reason है इसके पीछे? तो वो जो है लड़का जो है वो कह रहा है कि भाई पहला रूल बिजनेस का ये है कि जो भी तुम्हारा ओपोनेंट हो उसके सीक्रेट्स पता होने चाहिए। तो वो कह रहा है कि क्या हम इधर ही बैठे रहेंगे या हम इस बड़ा मेंशन जो है इसमें सर्च करते हैं, ज़रा पता करते हैं कि ऑगस्टीन क्या है, मतलब इसकी क्या हकीकत है, राइट? तो वो उससे लिंडा से पूछ रहा है कि आर यू इन, चलते हैं डायरेक्टर साहब आप हमारे साथ या इधर ही होंगे? अब क्या करें, चलें? चलते हैं, क्यूरियस तो हम भी हैं, मतलब है। गेम को ओरिजिनली इस तरह खेलते हैं जैसे हम वो करेक्टर हैं, तो हम भी क्यूरियस होंगे और हम कहेंगे हाँ भाई चल क्या सीन है। What are you waiting for? आ जाओ भाई। चलो स्टैन और लिंडा, अब होगा मौत का नंगा नाच। वाह, नाउ दिस इज अ रियल बोल्ड स्टेटमेंट काइंड ऑफ रूम, यू नो व्हाट आई मीन? Oh, भाई रूम देखे कितना अजीबोगरीब है। This kind of cash. Sounds like you didn't scout your mark as well as you thought. In business, we don't call them marks. Hustling is a racket, not a business. I wouldn't underestimate my scouting skills if I were you. About rattling around up here, that could be mutually beneficial. How do you know about murder, Mill? Tell me about Augustine. Augustine के बारे में पूछते हैं उससे. Okay. Then tell me everything you know about Augustine. Augustine. Augustine Lieber, elite collector of obscure cultural artifacts. She pretends to be all business, but plays a long game with the cards close to the vest. So Augustine भी collector है. And? Ever since I arrived, I've kept my eye on things. Observations, behavior, decor. I've been building a profile. Which is? Lieber is no ordinary collector. She likes dark stuff. The really dark stuff. Oh, so वो कह रहा है कि भाई मेरे profession में ये basically collectors को चीजें पहुंचाता है और अपने पैसे रखता है, middleman वाला काम, middleman वाला काम है। तो वो कह रहा है जब से मैं enter हुआ हूँ, मैं आया हूँ, मैंने हर चीज पे अपनी आँख रखी हुई है, देख रहा हूँ, और मैं एक प्रोफाइल बिल्ड कर रहा था ऑगस्टीन के एक्शन से, डिकोर जो उसने घर में किया हुआ है, जिस तरह से वो रह रही है, क्या कपड़े पहन रही है, क्या चीज़ें लगाई हुई उसने, हर चीज़ को नोटिस कर रहा था और मैंने एक प्रोफाइल बिल्ड की है, मतलब मुझे समझ आ रही है उसकी। तो वो कह रही है कि क्या समझ आ रही है? तो वो कहता है कि उसको ये नॉर्मल टाइप की कलेक्टर नहीं है, इसको सिर्फ डार्क स्टफ में इंटरेस्ट है। डार्क स्टफ मतलब ब्लैक मैजिक, ये वो उस टाइप की चीजें इसको इकट्ठी करने का शौक है। She'll stop at nothing to get it. She'll stop at nothing to get it. Very impressive. Okay. Now it's your turn. My turn for what? Told you what I know and now you go. I think you pretty much covered it. Hey, just catching up. So, what have you guys found? Not much. But the night's young. Not as young as you think. Let's keep looking around. So, let's keep looking around. अब हम उसके घर में ऑगस्टीन की चीजें वगैरह तलाश कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। एट्रियम। हाँ। और ये देख कोई चीज, कोई क्लू देखना चाह रहे हैं जो हमें लीड करे, जिससे हमें पता लगे क्या सीन है। I love your outfit, by the way. Well, thanks. It's Italian. Well, the shoes are Italian. And a belt. Whoa. I got a cheat from a guy. Huh. He's got a guy who's got Now that was a curious sound. The guy had him tailored just right by another guy. No, who also got kuch hone wala hai yaar. Bhai jaan, secret door khul gaya. Club edition. Oh, bhai. Monitor room, bhai. Sara kuch idhar chal raha hai. Found a turtle neck in a second-hand shop. Looks like practically every room in the house. Where's our host? Host, well, hello. It's like
Every room in the house. Every room in the house. I'd say this goes a little beyond your typical security. What do you mean? I get the sense our host just has a lot of valuable property so and likes room to be keenly aware of everyone's comings and goings. I think उसी का है ना वो ना. इधर ये क्या है? Vent over ride लिखा हुआ है. कोई कोर का ब्लूप्रिंट लग रहा है ना कुछ वेंट ओवरराइड टमर स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर रेगुलेटर ट्यूनर ये कुछ ब्लूप्रिंट टाइप का ऑगस्टीन हैज इंटरेस्ट इन टेंपोरल मशीन्स मशीनरी ओके एक चीज का हमें पता लग गया क्लू का तो उसको मशीनरी वगैरह में इंटरेस्ट है इधर कुछ नजर आ रहा है हमें नहीं है यहाँ पे कुछ ओके बाहर जाके और चीजें चेक करते हैं ये कुछ पड़ा हुआ है ये दरख्त अजीबो गरीब से नहीं रखा हुआ भयानक और कुछ इधर तो नहीं है इधर क्या है यहाँ पे नहीं जा सकते ऊपर जा सकते हैं हाँ ah yes let's check out the other floors good thinking wait hold on a second what before all this goes any further I need to know how both of you got your pieces of the film वो कह रही है कि इससे पहले कि आगे हम बढ़ें और रिसर्च वगैरह करें पहले ये बताओ तुम दोनों को पीसेस ऑफ फिल्म्स कैसे मिली उतनी इट्स नो सीक्रेट रियली आफ्टर माय मॉम डाइड अ फ्यू मंथ्स अगो आई फाउंड इट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू हर स्टफ मैडी व्हाट वाज योर मॉम्स नेम बोस और वाज इट बॉनी रिवेरा या इट How did you know that? ये सो भी इतना बता. You look just like her. Did you know my mom? A long time ago. Whole other lifetime. So Linda उसकी माँ को जानती है, ठीक है? और Madison से जब पूछा कि भाई तू जो फिल्म का पीस कैसे मिला, तो वो कह रही है जब वो मरी, मेरी माँ, जब उसका you know वो मर गई, उसके बाद में उसकी चीजों के through जा रही थी और उनमें से मुझे ये वो मिला. Film Her younger brother Jaime was one of my closest friends. Uncle Jaime, I never met him. I hadn't heard that Bonnie had passed. Yeah, it was pretty sudden. Wow, Maddie, that's quite sad. Very touching. Drama kar raha sala. He had to go through that. What about you, Stan? पहले उसको तो कन्फ्रंट कर लें भाई थोड़ा सा दिलासा दे दें सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दैट इट्स नेवर इजी टू लूज समवन यू लव थैंक्स लकी फॉर मी इट वाजंट माय फर्स्ट रोडियो बॉनी आई विश आईड स्टेड इन टच विद हर वंट यू वंडरिंग वेयर बोथ ऑफ आवर फिल्म स्ट्रिप्स केम फ्रॉम ये चवल ही है वैसे आई डोंट सपोज यू लाइक टू एनलाइटन मी ऑफ कोर्स एंड आई कांट जस्ट टेल यू फॉर फ्री कैन आई दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी वैल्यूएबल व्हाट्स योर प्राइस यू नो व्हाट आई गोना हैव टू गेट बैक टू यू ऑन दैट चल भाई उसने नहीं बताया इसको स्टैन को कहां से पीस मिला साला फिल्म है कुछ ना कुछ अबे क्या हो गया नीचे क्यों उतर रहा हूँ मैं भाई तुम चली जाओ मेरी खैर है ओके ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं ऊपर इधर किसी की पेंटिंग लगी हुई है ये चेक करो जरा कूल स्टैच्यू ओए मिसिंग अ पीस though
ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हाथ से गायब है ना उसके. मिसिंग अ पीस. ओके लेट्स फाइंड इट. पावरफुल. वो क्वाइट अ पीस. लुक एट द मेटल वर्क. मेटल वर्क ब्यूटीफुल. इधर भी आई थिंक मिसिंग है कुछ. यार वो लगेगा कुछ लगेगा मेरे ख्याल से. मिस्ट्री शिस्ट्री है. टॉक टू मैडी. टॉक टू मैडी. द फेस ऑफ सेंसेशनलिस्ट ट्रैश. द फेस ऑफ ईविल. द ट्रू स्टोरी ऑफ फ्रैंक स्टोन टोल्ड बाय द मैन हु स्टॉप्ड हिम. शेरिफ ने ये बात बताई थी ना कि कैसे फ्रैंक स्टोन को रोका था. ये उसके बारे में बुक लिखी हुई है. शेरिफ ने जिसने रोका था ना उसने ये किताब लिखी थी फ्रैंक स्टोन के ऊपर. The True Face of Evil. ओपन करते हैं इसको. ओ ये वो मिल है. फ्रैंक स्टोन. चल भाई आगे. Stone's corpse wasn't even cold before a whole bunch of out-of-towners descended on Cedar Hill trying to grab their piece of action. Forty rubberneckers, you name it. More than a few were satisfied with what they found. Make a conspiracy out of it, said he would have. Must have had an accomplice. Okay. So all kuch bhi nahi hai. Alright. So ye book uske baare mein. I should check on Maddie. So, बहुत से लोगों को ये शक था कि फ्रैंक स्टोन ने अकेले वो काम नहीं किया. बुक में लिखा हुआ है ना कि उसके साथ कोई ना कोई अकॉम्प्लिस था, उसका कोई साथी था. और वो तो हमें पता है एक बंदी तो खड़ी हुई थी ना रेड केप में उस टाइम पे, याद है? Not in a million years, no way. Okay. Looks like it opens with a key. I need a key. Okay, so aur upar jayenge hum. Augustine has a unique collection. I've never seen anything like this before. You've never seen anything like this stuff. I'm not getting through that. तो कह रही ऑगस्टीन की कलेक्शन काफी यूनिक चीजें हैं, ऐसी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी और ज्यादातर खौफनाक ही हैं वो. चेक कर पेंटिंग्स भी जो लगाई हुई हैं वो भी अजीबो गरीब ही लग रही हैं. मैडी से बात करनी थी ना हमने. चल भाई you sure would get a kick out of this place and then you'd probably kick me out of this place and keep it all to yourself. Who are you talking to? No, I wasn't. I could hear you. I was talking to my mom. To Bonnie. I was in Berlin, you know, at school, when I heard she was sick. But it was my midterms, and she said I should just come home when I finished. So I did. But by then it was too late. She died while I was over the Atlantic. It all happened so fast, it doesn't feel like she's gone. So I just kind of pretend like she isn't. She was a good talker. Yeah, she was. Hey, look at this. This was just last summer. Oh, so what the sweet God of I know you said it had been a really long time, but can you tell me anything about her from when you knew her? Gosh. Well, she was the most intimidating girl I've ever met. Even after I got to know her, she did everything she wanted to do and nobody could stop her. तो वो उसके माँ के बारे में बता रही है जब मैं जब वो जानती थी उस टाइम पे उसको. So
nostalgic, purani baat karte hain. There's something I've never told anyone. Yeah. Yeah, there is something I've been thinking about. I've never told anyone else. Oh. It was a long time ago. It was a long time ago. We were just kids making a movie. Jamie, Chris, and me. Jaime, Chris, and me. Everything's still so fuzzy about what happened, but. Oh, yeah, wapas hum past mein ja rahe hain. Yes. Stuck in my mind. Clear as a bell. That night, we were on our way home from picking up a new camera. Alright, so jab woh naya camera leke wapas aaye. We were driving past the Rivera's house. The garage door was wide open, full of light. Oh, ye uski maa. Crazy. Yes. Fucking. So basically, Jamie, jo inke saath acting nahi kar raha tha, ladka past mein. उसकी बहन की बेटी है ये, उसकी बहन जिसने पैसे नहीं दिए होते और कहा होता गैराज मेरे लिए खाली कर दो। हाँ, उसकी बहन है ना ये बेटी है उसकी जिसको स्टोरी बता रही है। मैडिसन, हाँ, ये उसकी उस जेमी जो लड़का इसके साथ एक्टिंग कर रहा था बहन की उसकी बेटी बहन की बेटी है ये। You ever heard was just tearing out of there in every direction. So कह रहे हम वापस आ रहे थे वो गिटार बजा रही थी। Bonnie. I don't think I've ever seen anyone so completely in tune with themselves. The only thing that mattered was that moment. Nothing else. That was your mom. Thank you. Hey, guys. Oh, kuch hua. Koi aa raha? Look. What? I don't see anything. Main drama kar raha hu lag raha. There. Right there. Oh my god, there's someone out there. They might be after the film strips. Augustine expected something like this. If this plot gets anything, सीरियस होना चाहिए ना। हाँ, ऑगस्टीन के बारे में समथिंग लग रहा है। I have a feeling Augustine expected something like this might happen. She's got this place wired with enough cameras she could catch a mouse. Good security probably means we're pretty safe. Right. So, do you think we should find Augustine, give her a heads up? Even if he wanted to tell her. Good luck finding her. She said she was going to her private reliquary. That's a place for artifacts, right? There's artifacts all over the place. Right. So वो ये कह रही है कि वो कह रही है लिंडा कह रही है कि ऑगस्टीन सस्पेक्ट कि अब तक ये कर रही थी कि ऐसा कुछ होगा एक्सपेक्ट कर रही थी इसीलिए उसने इतने कैमरे लगाए हुए। मेडिसिन कह रही है कैमरा बेशक लगा हुआ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सेफ हैं उसमें। तो वो कह रही है कि हमें ढूंढना चाहिए ऑगस्टीन को। वो कह रही किधर ढूंढेंगे ऑगस्टीन को। उसने कहा जिस जगह पे उसने जाने की बात की वो जगह नहीं जहाँ पे आर्टिफैक्ट सारे रखे जाते हैं तो हम उसकी सर्च करते हैं। If you were gonna have a private place for extra special, extra valuable artifacts, maybe you'd put them behind a door like that. You've got a point. Can't we just not? तो वो कह रही है अगर मैं उसकी जगह कलेक्टर होती और हमारे पास आर्टिफैक्ट होते इतने वैल्यूएबल और ये वो तो मैं किसी ऐसे दरवाजे के पीछे ही उसको रखती कि मतलब जो सिक्योर्ड होता। I doubt anything can get through that, including sound. Which means it might be the safest place to be, whether Augustine's in there or not. Okay, so वो कह रही है ऑगस्टीन अंदर है या नहीं है। फिलहाल यही सबसे सेफेस्ट प्लेस है हमारे लिए कि हम वहाँ पे रुके। yes. अगर कुछ हो रहा है बाहर ऐसा वैसा या अगर हमें खतरा है तो। okay. ये कौन है भाई? भाई एक नया सस्पेंस। आई थिंक वी गोना फिनिश दिस एपिसोड हियर। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस सीरीज बिकॉज वी आर लविंग इट। कमाल, मतलब टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इसको रेट करूँ इस गेम को तो आई वुड रेट इट अभी तक जितना हमने खेला है आई वुड रेट इट 6/7/10। इट वॉज इन दैट स्केरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर था लेकिन डेड बाई डे लाइट वालों की तरफ से था तो इट्स यू नो वी हैड टू प्ले और नई गेम आई थी। ओवरऑल गेम उतनी ऑप्टिमाइज भी नहीं है बट इट्स ऑल राइट।
नॉनदलेस हम लोगों को स्टोरी पता लग रही है, आप लोगों को खरीदने की जरूरत है क्योंकि आप लोगों ने इधर देख लिया है. सो विद दैट यू गाइस नो व्हाट टू डू, हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, कमेंट डाउन बिलो, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वी विल सी यू अगेन विद अनदर लाइव स्ट्रीम और गेम प्ले वॉक थ्रूज और गेम प्ले ट्रेलर रिएक्शंस. टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखो, हमें दुआ में याद रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.